You are watching Poonch Live. पेश करता हूं कि जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब को अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास की सीन तक मुकम्मल समाप्त फरमाया। ये यकीनन सुनने वालों की बहुत नेक बख्ती है, फिरोज बख्ती है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल कुरान पाक सुनने की उनको तौफीक को हिम्मत अता फरमाई। और अजीज मुकर्रम हजरत हाफिज मोहम्मद आसिफ रजा को मैं दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने आप हजरात के सामने अच्छे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की और आप हजरात ने उसको समाप्त किया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र है, उसकी हम्द सना है कि उसने हम और आप सब को मुसलमान बना करके माह रमज़ान की बरकतें अता की हैं और इस माह के अंदर खुसूसी तौर पर खुश नसीब हैं वो अल्लाह के बदले जो मसाजिद में आकर के रोज़ा रख करके कुरान पाक को समाप्त किया है। इस मौके पर मैं अपने अजीज हाफिज़ मोहम्मद आसिफ सल्लम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिन्होंने बतौफीक इलाही कुरान पाक मुकम्मल सीने में महफूज करके आपको सुनाया। मस्जिद के जितने भी यहाँ अरकान हैं या नमाजी हैं तमाम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप पे एहसान अज़ीम फरमाया कि पूरे 30 पारे आपने हाफिज़े कुरान से समाप्त किए। अल्लाह तबारक व तआला उनका सुनाना और आप तमाम हज़रात के सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये जो हाफिज़ साहब हैं गालिबन उनकी ये पहली मेहराब है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कुरान हकीम आपको कैसा सुनाया ये मैं तो नहीं जानता, आपको पता होगा। बहरहाल ये सब जो फैज़ है ये हमारे मरकज़ी इदारा जामिया उलूम उलूम का है तो जिसके अंदर ये बच्चे वहाँ पे आए तो जिस वक्त आए तो उसमें इन्हें कुछ नहीं आता, लेकिन जिस वक्त वहाँ से निकलते हैं तो कोई हाफिज़ कुरान होता है, कोई क़ारी कुरान होता है, कोई आलिम दीन होता है। तो ये इदारों का फैज़ है, इस वजह से हम सब लोग को इदारों के साथ वाबस्ता रहना है। और दूसरी बात हैदरी मस्जिद माशाल्लाह, पहली बात यह है कि इसका नाम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हैदर कर्रात के नाम पर नाम है इस मस्जिद का। और दूसरी बात यह है कि तामीरी नुक्ता निदा से इसकी दोनों मंजिलें आप हजरात ने बहुत खूबसूरत बनाई हैं। तो जो जो मस्जिदें खूबसूरत हैं ना
तो मसलों को देख करके उस मोहल्ले के रहने वाले लोगों की जहनीत का पता लगता है कि वाकई उनकी जहनीत खूबसूरत है कि नहीं। मस्जिद हैदरी के सदर होने के नाते तमाम उलमाए हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद हैदरी में तशरीफ़ लाए, और ख़ास कर मैं मुबारकबाद देता हूँ इस छोटे बच्चे को जिसने कि 30 पारे कुरान के अपने दिल में हिफ्ज़ कर लिया होगा। इसके माँ बाप को मैं मुबारकबाद दे, इसके जो उस्ताद साहब यहाँ पर आए हुए हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मेरी ये गुजारिश है कि इंशाल्लाह आइंदा भी अगर ज़िंदगी रही तो हम इसी तरह से सिलसिला को ता कयामत तक जारी रखेंगे। वस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल्मुबारक का ये तीसरा अशरा जो जहन्नम से आज़ादी का है, अल्हम्दुलिल्लाह शहर पुंछ की मुतअद्दिद मसाजिद के अंदर कुरान हकीम की मुकम्मल तौर पे तिलावत हुई है, और बहुत से हुफ्फाज़ किराम ने जो जामिया अनवार उलूम के परवरदा हैं अक्सर उनमें, तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कुरान हकीम सुनाया है। और 15वीं तरावी से ये सिलसिला जारी व सारी है। पहले कादरिया मस्जिद के अंदर था और फिर उसके बाद मुतअद्दिद मसाजिद के अंदर ये प्रोग्राम जो हैं वो जारी हैं, और आज हैदरी मस्जिद में उसी सिलसिले की एक अहम कड़ी थी। आज 21वीं तरावी के अंदर यहाँ हाफिज़ कुरान ने मुकम्मल कुरान हकीम सुनाया है, और ये बड़ी सआदत मंदी की बात है कि लोग मस्जिदों का रुख करते हैं और कुरान हकीम सुनते हैं। और जो बंदा कुरान हकीम सुनता है यकीनन वो हसनात भी अल्लाह तबारक व ताला उसे अता फरमाता है, और दुनिया व आखरत भी उसकी बेहतर होती है। और मेरी गुजारिश है कि वो मसाजिद जहाँ पर कुरान हकीम का अहतमाम नहीं होता है, वो भी सूरत तरावी तो मजबूरी में है कि हाफिज़ कुरान नहीं तो चलो कोई दूसरा आदमी 10 सूरतें पढ़ा करके तरावी की नमाज़ अदा कर ली जाए, लेकिन जो मकसद है वो है कुरान हकीम सुनना। इस वजह से मेरी गुजारिश है कि उन मसाजिद के अंदर भी कुरान हकीम का अहतमाम किया जाए। आज हम हैदरी मस्जिद में हाज़िर हुए और यहाँ पर ख़त्म कुरान पाक की महफिल थी, और बड़ी खुशी वाली बात है कि शहर के अंदर अक्सर जगहों पर जो कुरान पाक तरावी के अंदर सुनाने वाले हुफ्फाज़ किराम यहाँ पर मौजूद हैं। अगर इस टाइम आप देखेंगे हमारे यहाँ पर जितने भी तलबा जामिया वालों से फारिग होकर के कुरान पाक सुना रहे हैं, डोडा से, किश्तवाड़ से, पुंछ से, राजौरी से, जम्मू से यहाँ पर आकर के कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, और आज शहर के अंदर एक चहल पहल है, और तमाम लोगों को एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि अपने बच्चों का हाफिज़ कुरान बनाएं और मस्जिद को आबाद करने का एक जज्बा रखें। ये इसमें कोई शक नहीं है कि मुसलमान इस टाइम बहुत ताकत के अंदर हैं, माली एतबार से भी बहुत कुछ अल्लाह ने दिया है। हमारी गुजारिश ये रहेगी कि आप अपने बच्चों को हाफिज़ बनाएँ, क़ारी बनाएँ, आलिम बनाएँ, ताकि कौम मुस्लिम सही मजबूती के साथ में दीन से वाबस्ता हो सके। दूसरी बात यह है कि माह सयाम के इस मुक़दस महीने के आखिरी लम्हात हैं, ये अय्याम हैं। इसमें गुजारिश है कि जामिया मालूम जो 25 साल से मजहबी, मिल्ली, समाजी, अखलाकी खिदमत अंजाम दे रहा है और मसाजिद, मदारिस, मकादब की तामीर, आबादकारी और कब्रिस्तान की हसूलियाबी के लिए काम हो रहा है, इस मजबूत कड़ी को, सिलसिले को मजबूत करने के लिए आपका ताउन दरकार है। ये आइमा किराम, उलमा किराम, हुफाज जो है आपके सामने, ये समाज का अजीम असासा है। इसमें इजाफा करने के लिए ऐसे इदारों का मुकम्मल तौर पर ताउन किया जाए। जितने भी हमारे मदारिस हैं, चाहे वो शहर में या अतराफ़ शहर के अंदर, उनका ताउन किया जाए। बिलखसूस जामिया अनवार उलूम जो शहर पुंछ आलापीर के अंदर मौजूद है, इसका हर तरह से कौम मुस्लिम को ताउन करना चाहिए, क्योंकि ये मिल्लत का असासा है। इसका तहफ़ इसकी इशात, इसकी हिफाजत हम सब पर जिम्मेदारी हमारी बनती है। लिहाजा माह मुकद्दस की आखिरी अय्याम के अंदर आप खुसूसी तौर पर जामिया अनवार उलूम के अंदर जो है तशरीफ़ ला करके ऑफिस के अंदर भी इसका ताउन करें, और आइम्मा किराम, उलमा किराम जो शहर के अंदर या अतराफ़ में रसीदात लेकर के आए हैं, आप इनका भी ताउन फरमाएँ ताकि ये इदारा मजबूत से मजबूत हो सके।